अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मटन भुना की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल है और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही यम्मी और लजीज लगती है, तो चलिए आप हम इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल में 700 ग्राम बोनलेस गोश्त लूँगी और उसे मैंने यहाँ पर डाइसेस में, देखिए डाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक। उसी के साथ अब हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली कश्मीरी पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून मटन मसाला, जो रेडीमेड मिलता है उसे डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ 1/2 कप दही अच्छे से फेंट कर इस मटन में डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। और ये बात याद रखें फ्रेंड्स, इसे है ना हमें रात में ही मैरिनेट करके फ्रीजर में रखना है और दूसरे दिन सुबह बनाना है। कम से कम 12 घंटे इसे मैरिनेट करके हमें रखना होगा, जिसकी वजह से ये हमारा बहुत ही अच्छी से मटन गल जाएगा। यहाँ पर मुझे 12 घंटे हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले एक फ्राई पैन लूँगी, उसमें 3 टीस्पून हमें ऑयल डालना है। कम से कम 30 ml हमें ऑयल डालना है। जैसे ही हमारा ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें इसमें ऐड करना है 3 से 4 छोटी इलायची, उसी के साथ 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक बाजा, एक दालचीनी की स्टिक। देखिए इसे हमें अच्छे से ऑयल में क्रैकर होने दें। उसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमें क्रैकर होने तक के इसे चला लें। जैसे ही हमारे ये अच्छे से ज़ीरा, दूसरे खड़े जो मसाले हैं अच्छे से क्रैकर हो जाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे एक बड़ी साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब इसे हम हाई फ्लेम पर ही अच्छी से भून लेंगे। जैसे ये प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तो हमें फ्लेम को स्लो कर देना है और इसे स्लो फ्लेम पर हमें भून ले। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। अब इस टमाटर को भी हम हाई फ्लेम पर नहीं, स्लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। बस यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी से इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छी से हमारे ये टमाटर भी हल्के हल्के से कलर चेंज हो रहा है इसका। अब हमें इसमें डालना है 5 से 6 करी लीव्स के और उसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स। अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी से स्लो फ्लेम पर ही भूनना है, जिससे इसका ज़बरदस्त कलर आएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। यहाँ पर हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए लीड लगाकर कुक करना है, ताकि इसके जो टमाटर है वो अच्छी से मेल्ट हो जाए, अच्छी से गल जाए। लीजिए यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी से प्याज टमाटर बहुत ही अच्छी से गल चुके हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सी नमक डाल दिया। पहले 1 टीस्पून डाला था, अभी 1/2 टीस्पून वैसे मिलाकर 1 एंड हाफ टीस्पून नमक हो गया है। अब जो हमारा मैरिनेट करके रखा हुआ मटन था उसे इस मिक्सचर में डाल देंगे। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके स्लो फ्लेम पर डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरी फ्लेम जो हाई थी वो स्लो कर ली हूँ। अब देखिए हमारा मटन कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब मैं यहाँ पर अपनी जो फ्लेम है उसे हाई कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का दिख रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें हाई फ्लेम पर ही लगातार इस मटन को चलाते रहना है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो जो मसाले कहीं कहीं रह जाएंगे, अच्छी से ये मिक्स नहीं हो पाएगा। पर इसे हाई फ्लेम पर ही हमें
फ़ौरन जल्दी जल्दी लगातार चलाते रहना है। देखिए इस तरह से जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से मिक्स करना है। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी अपने किचन में फटाफट से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे जिससे इसके खुद के जूसेस में ये अच्छी से कुक हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हो गया है। देखिए यहाँ पर दही का पानी भी छूट गया है और जो मटन का मॉइस्चर था वो भी छूट गया है। अब ये अपने ही जूसेस में बहुत ही अच्छे से कुक होगा। पर यहाँ पर हमें जो हमारी फ्लेम है उसे स्लो कर देना है और इसे लगातार वापस से चलाते रहना है। ये रेसिपी बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है और बहुत ही लजीज लगती है। चलिए फ्रेंड्स वापस से मैं इसे और 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लूँगी। देखिए यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो गया है और जो उसके जूसेस है वो खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है और हमें इसे ड्राई ही बनाना था। इसके लिए मैं यहाँ कोई ग्रेवी व्रेवी नहीं लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 टीस्पून बटर जिससे ये इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी थी वो बहुत ही अच्छी थिक हो गई है। ये रेसिपी बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मैं वापस से इसे लीड लगा कर कवर करके कुक कर लूँगी। बार बार इसे कुक कवर करने से इसके जो मटन है वो बहुत ही अच्छी से गल जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा मटन भी बहुत ही अच्छी से गल चुका है। अब मैं यहाँ पर कलर के लिए 1 हैंडफुल फ्रेश हरा धनिया डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो मटन भुना मसाले की रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी से बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए इसका कलर भी बहुत ही बेहतरीन आ गया है, बहुत ही चटपटा सा बना है। ये बहुत ही टेस्टी है, इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो फटाफट से फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने किचन में ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे इंजॉय कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स ये राइस के साथ में एज वेल एज चपाती, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी और पराठे के साथ में ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। प्लीज़ इसे अपने किचन में एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। तो फटाफट इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए इसकी खुशबू बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त लग रही है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आ गया है। हाँ फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें और अगर कोई रेसिपी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी उस रेसिपी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूँगी।